कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया ना सोना। बड़ी विचित्र चीज है ये माया, जिसके पास सोना है वो भी नहीं सो रहा है, और जिसके पास सोना नहीं वो भी नहीं सो रहा है, जिसके पास अधिक सोना है वो इस सोच में नहीं सो रहा है कि कहीं कोई चोर चोरी ना करके ले जाए, और जिसके पास सोना नहीं है वो सोच रहा है हे भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करिए, वो इस सोच में टेंशन में नहीं सो रहा है। कितनी सुंदर बात है कि जो मायापति, इस माया ने मायापति को भी नहीं छोड़ा, भगवान भी आज मारीच के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि नचा रहा जो सारे जग को, नचा रहा जो सारे जग को ये माया चले नचाने। देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। जो पूरे जगत का पिता है, जो मायापति है, उस माया ने मायापति को भी नहीं छोड़ा। मारीच के पीछे भगवान दौड़ पड़े, भगवान दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। मारीच अपने इस सौभाग्य को देख करके बड़ा प्रसन्न है। मारीच की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, क्यों? ये सोच करके मारीच विचार करता है कि लोग सोचते हैं कि मरते समय जिह्वा पर राम का नाम आ जाए, और मेरा सौभाग्य तो देखो न जाने किस जन्म का आज पुण्य फलित हो रहा है कि वो मायापति ही, जगत का पिता ही, मेरे मरते समय मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। मारीच एक बार भगवान को देखता, एक बार आगे देखता, एक बार भगवान को देखता, एक बार आगे देखता, ऐसे दौड़ते दौड़ते मारीच बहुत दूर चला गया। और जब दूर पहुंचा, भगवान राम ने बाण चलाया, मारीच जोर से चिल्लाया हा लक्ष्मण, लेकिन मन में धीरे से हा राम कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान ने उस मारीच को अपने धाम को भेज लिया। जानकी मैया ने सुना, लक्ष्मण जी से कहा आपके भैया किसी कष्ट में हैं, किसी विपत्ति में, जाइए उनकी रक्षा करिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे प्रभु की रक्षा कौन करने वाला है, मेरे प्रभु तो सबकी रक्षा करते हैं, आपको कोई भ्रम हुआ होगा। मैया ने कुछ उल्टी सीधी बातें बोली, लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, कहा मैया इसे पार मत करना, कह के चले गए। उसी समय रावण आया, ब्राह्मण का वेश बना करके, जैसे टीवी सीरियलों में दिखाते ना, रावण आता है जानकी मैया को उनके बाल केश पकड़ते घसीटते हुए लेके जाता है, ये सच्चाई नहीं है, ये काल्पनिक चीजें हैं। यहाँ मानस जी में गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं, मनमोह चरण बंद सुख माना। रावण आया तो सबसे पहले जानकी मैया को मन ही मन चरणों में प्रणाम किया और कहता है, मैया मैं अगर चाहता तो मेरा वध भगवान कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे परिवार, कुल खानदान सहित सब प्रभु के धाम को जाए, सबको मैं मुक्त करूँ, और ये तभी होगा जब आप मेरे लंका में चलेंगे। मैया से निवेदन किया, मैया जानकी आई, पुष्पक विमान पर बैठी, रावण के साथ चल पड़ी। भगवान राम, यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, बाहिज चिंता की न विषय की। लक्ष्मण जी को देख करके राम जी बाहरी चिंता करने लगे। क्या दिखाते हैं? कहते हैं कि लगता है आश्रम में जानकी नहीं है, भगवान तो सब जानते थे कि जानकी जा चुकी है। लक्ष्मण जी जब आए, देखा आश्रम में मैया नहीं है। राम जी लक्ष्मण जी को देख करके विलाप करते हैं, हे खगमृग हे मधुकर शेनी, तुम देखे सीता मृग नयनी, वट वृक्षों से लताओं से सबसे भगवान पूछते हैं किसी ने मेरी जानकी को देखा क्या। भगवान चलते चलते चले जा रहे हैं मैया को ढूंढते हुए। इधर रावण मेरी माँ जानकी का जब हरण करके ले गया, रास्ते में जटायु जी ने देखा। जटायु जी वृद्ध हो चुके थे, पंखों में वो क्षमता नहीं थी, वो शक्ति नहीं थी। जटायु जी ने जब देखा एक स्त्री को, जानकी मैया को, जानकी मैया रोज जा रही है, मेरी कोई रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जटायु जी अब परेशान है, मैं इनकी कैसे रक्षा करूं? जटायु जी ने अपने पंखों को कोसते हुए कहा, जब तक तुम्हें भक्षण करना था, मांस इत्यादि खाना था, तब तो तुम्हारे पंखों में बड़ी शक्ति हुआ करती थी,
और आज एक देश की बेटी की लाज बचानी है तो तुम्हारे पंखों में कोई शक्ति ही नहीं है। और जैसे ही महाराज हुंकार लगाई, जटायु जी के पंखों में दम आ गए। जटायु जी पंख फड़फड़ाने लगे और पंख फड़फड़ाते पहुंचे रावण के पास। 60,000 वर्ष की उम्र हो गई है जटायु जी की, और इस आयु में पहुंचे रावण के पास। और रावण को आज इतने चोंच मारे कि रावण 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया। ये है हमारा भारत देश, जहां पर जीव तो जीव, मनुष्य तो मनुष्य, यहाँ का एक पक्षी भी एक स्त्री की लाज बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देता है। यह है हमारा भारत देश। लेकिन महाराज अब समय थोड़ा बदल चुका है, आजकल लोग सेल्फिश हो गए हैं, स्वार्थी हो गए। अपने बेटे की बात आए, अपने बिटिया की बात आए, अपने बहू की बात आए तो लोग तत्पर रहते हैं, लेकिन अगर बगल में कोई घटना हो जाए तो सब पीछे हट जाते हैं। महाराज हम क्यों इसमें पढ़ने जाएं, उनकी बेटी है वो जाने, ये गलत बात है। जटायु जी रावण को इतने चोंच मारे उस वृद्धावस्था में भी कि रावण 24 मिनट के लिए बेहोश पड़ गया। किसी ने जटायु जी से कहा, जटायु जी इसको मार डालिए, समाप्त कर डालिए, लेकिन अगर रावण कहीं उठ गया, मूर्छा छूट गई तो ये आपको मार डालेगा। जटायु जी कहते हैं, धर्म पूर्वक युद्ध करके अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे प्रसन्नता होगी अधर्म पूर्वक युद्ध करके जीत जाने से। रावण की मूर्छा छूटी, और जैसे ही मूर्छा छूटी निकाला चंद्रहास, और निकाल करके जटायु जी के दोनों पंखों को काट डाला। जटायु जी भूमि पर गिर पड़े। राम जी आए, जटायु जी को देखा, अपनी गोद में उठाया भगवान राम ने। जटायु जी से भगवान कहते हैं, तात कुछ दिन और रह जाइए, मुझे पिता की आवश्यकता है, आपको पुत्र की आवश्यकता है। मुझे पिता की कमी है, आपको पुत्र की कमी है, कुछ दिन और रुक जाते आप बड़ा अच्छा होता। जटायु जी कहते हैं, राम मेरे मित्र महाराज दशरथ ने आपके वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया, और आज मैं अपनी पुत्री जानकी के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करूंगा। राम अब मुझे विदा करिए। राम जी ने जटायु जी से एक निवेदन किया। जटायु जी से भगवान राम कहते हैं, प्रभु जब आप जाएंगे तो आपको रास्ते में मेरे पिता महाराज दशरथ मिलेंगे, लेकिन मेरे पिताजी से कोई चर्चा नहीं करना, ये जितने भी घटनाएं हुई हैं। मैं आपको वचन देता हूं, आपका राम आपको वचन देता है कि जिस रावण ने मेरी पत्नी का हरण किया है उस रावण को उसके पूरे परिवार कुल खानदान सहित भेजूंगा, और वही रावण जाकर के मेरे पिता महाराज दशरथ से बताएगा, महाराज मैंने आपकी पुत्रवधू का हरण किया और मेरे राम ने, आपके पुत्र राम ने मेरे पूरे परिवार कुल खानदान सहित धाम को भेज दिया। रावण स्वयं बताएगा और तब मैं अपने पिता को प्रणाम करूंगा। जटायु जी से वार्ता करने के पश्चात भगवान राम ने जटायु जी को अंतिम विदाई दी। भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। जटायु जी को विदा करके भगवान चल पड़े, और कहाँ पहुंचे? भगवान पहुंचे शबरी मैया के आश्रम, और माँ शबरी के आश्रम में जब भगवान पहुंचे, माँ शबरी भगवान की अद्भुत भक्तन, भगवान से बड़ा प्रेम। इनकी कथा आती है कि माँ शबरी, इनका विवाह होने जा रहा था, और जब विवाह होने जा रहा था, विवाह के समय बहुत सारे पशु बांधे गए थे घर के बाहर, तो माँ शबरी ने पूछा अपने सखियों से, कहा इतने सारे पशु क्यों बांधे गए हैं? सखियों ने कहा जो बाराती आएंगे उनको भोजन कराया जाएगा। माँ शबरी ने सोचा कि मेरे एक विवाह में 1,000,000 गौ माताओं की हत्या, 1,000,000 पशुओं की हत्या होगी, इस विवाह से किसका कल्याण होगा? हम अपनी खुशियां मनाते हैं दूसरों को काट करके, दूसरे जीवों की हत्या करके, क्या आप कभी खुश रह सकते हैं? कभी नहीं। माँ शबरी ने रात ही रात घर छोड़ दिया, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं विवाह करना, ऐसा जिस विवाह में इतने पशुओं की हत्या हो जाए, इस विवाह से किसी का कल्याण नहीं होगा। मैया ने घर छोड़ दिया रात ही रात।
रात ही रात घर छोड़ दिया महाराज, पहुंची मतंग वन में मतंग ऋषि के आश्रम में गई। मतंग जी ने इन्हें दीक्षा दी, मंत्र दिया, अपनी शिष्या बनाया और तभी से गुरुदेव के पास रहने लगी। और भगवान राम इनकी महिमा बढ़ाने के लिए आए। घटना ये हुई कि जहां पर जिस दंडकारण्य में मैया रहती थी शबरी मैया, वहां इनके आश्रम के कुछ ही दूरी पर बड़े बड़े संत रहते थे। कोई अल्पाहारी है, कोई अन्नाहारी है, कोई पवनाहारी है, कोई जलाहारी है, कोई अद्भुत अद्भुत संत हैं। कोई कहता एक एक समय सिर्फ भोजन लेते, जो एक अल्पाहारी है। अल्पाहारी कहते भगवान हमारे घर आएंगे, पहले आएंगे तो। पवनाहारी कहते भाई तुम भोजन तो करते ही, तुम्हारे घर में नहीं आए, हम तो सिर्फ हवा पी करके रहते हैं, हमारे घर भगवान आएंगे। तीसरा कहते हम तो सिर्फ जल पी करके रहते हैं, भगवान हमारे घर आएंगे। सब अलग अलग सोच करके बैठे हैं, भगवान हमारे घर आएंगे। लेकिन जब मेरे प्रभु श्री राम आए तो भगवान जैसे ही आए इन संतों के पास आ करके, जब भगवान समक्ष खड़े हुए तो जितने संत भगवान थे सबने कहा प्रभु आप आ गए, हम सबको बड़ी प्रतीक्षा थी आपकी। भगवान ने कहा हम आपके घर नहीं आए हैं। कहा फिर? कहा हम तो माँ शबरी का पता पूछने आए हैं। माँ शबरी का आश्रम किधर है, वो कहाँ रहती? अच्छा अब आप बताओ, क्या भगवान सर्वव्यापी, वो तो सब जानते हैं माँ शबरी का आश्रम कहाँ है, माँ शबरी कहाँ रहती है, लेकिन भगवान फिर भी संतों से पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? माँ शबरी का भाव बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए भगवान सभी संतों से पूछते हैं। अब जब संतों ने सुना कि शबरी का आश्रम में ढूंढ रहे हैं, शबरी का आश्रम पूछ रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। बताओ हम अल्पाहारी हैं, पवनाहारी हैं, जलाहारी हैं, फलाहारी हैं, और हम सबको छोड़ करके उस शबरी के पास जाएंगे? भगवान पहुंचे शबरी मैया के आश्रम में। जाने के बाद माँ शबरी के आश्रम में भगवान का खूब आदर सत्कार सेवा सम्मान माँ शबरी ने किया। जब सेवा सत्कार कर लिया तो ये जितने संत थे सोच में पड़ गए कि भगवान शबरी के आश्रम में क्यों पहुंचे। भाई वेद पुराण शास्त्रों में तो यही बातें लिखी हैं कि दशरथ नंदन ही भगवान है, ब्रह्म है, लेकिन ये बहरूपिया लगते हैं, ये नकली लगते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। तो जो संत थे उनको भगवान से एक कार्य करना था। जहां वो रहते थे बगल में एक सरोवर था, उस सरोवर का पानी बड़ा गंदा हो गया था, उसमें से गंध आती थी। तो ये जितने संत थे भगवान को बुलाने गए और भगवान से कहते प्रभु एक काम करिए, अपने पांव जरा उस सरोवर में डाल देते तो ये सरोवर स्वच्छ हो जाता, साफ हो जाता। भगवान ने कहा आप लोग अपने पांव डालिए, आप लोग के ही चरणों के स्पर्श से ये स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्यों? आप लोग तो अल्पाहारी हैं, पवनाहारी हैं, जलाहारी हैं, आप लोग से बड़ा कौन है? अब संतों ने सोचा अगर कहीं हमने डाला और कुछ हुआ ही नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। संतों ने कहा सरकार आप ही डालिए। भगवान राम ने जैसे ही अपने पांव डाले तो महाराज अभी तक तो सरोवर गंदा ही था, जैसे भगवान राम ने अपने पांव डाले वो सरोवर में रक्त बहने लगा, वो सरोवर और भी गंदा हो गया, और भी गंदा आने लगी, खून बहने लगा। संतों ने कहा राम 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 राम, ये कैसा, ये कैसे भगवान है, नकली भगवान है, ये तो बताओ, अभी तक तो ठीक ही था, अब भगवान ने पांव डाले तो ये सरोवर इतना गंदा हो गया। भगवान ने कहा देखो एक बात बताऊं, इसका एक ही उपाय है, इसका सिर्फ एक उपाय है। कहा क्या? कहा अगर शबरी अपने पांव इस सरोवर में डाल दे तो ये सरोवर स्वच्छ हो जाएगा। याद करिए वो घटना, मुझे याद है। कहा कौन सी घटना? कहा एक दिन जब शबरी मैया झाड़ू लगा रही थी आश्रम के बाहर और अचानक एक संत गुजरे तो उस झाड़ू से एक कंकड़ टकरा गया संत भगवान के पांव से, और जैसे ही पांव से टकराया संत भगवान ने देखा रे राम राम, इसने छू दिया मुझे, स्पर्श कर लिया, ऐसा वैसा तमाम सारी बातें करने लगे।
और जा करके अपने पांवों को जैसे ही धुला उस सरोवर में, तभी से वो सरोवर गंदा हो गया। और इन संतों को लगता है कि शबरी के स्पर्श से वो सरोवर गंदा हो गया। भगवान ने कहा एक ही उपाय है, अगर शबरी आए और उनकी धूली पड़ जाए तो ये सरोवर स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। माँ शबरी सुन रही थी, माँ शबरी ने कहा मेरे प्रभु करुणा निधान है, करुणा करने वाले हैं, किस प्रकार से अपने भक्त की महिमा बढ़ा रहे हैं। जिनके चरणों से साक्षात गंगा मैया निकली, आज वो भगवान कह रहे शबरी के चरण स्पर्श कराओ। शबरी मैया वहां से भाग चली, दूर चली गई। संत भगवान जब पहुंचे शबरी मैया को बुलाने के लिए तो देखा तो शबरी है ही नहीं। भगवान राम से पूछा, कहा वो तो है ही नहीं यहाँ पे। भगवान राम ने कहा वो जिस स्थान पर खड़ी थी वही धूली उठाओ उनकी चरणों की, और वही चरणों की धूली लाओ उस सरोवर में डालो। और जैसे ही संतों ने उस सरोवर में उस धूली को डाला, महाराज सरोवर स्वच्छ हो गया, साफ हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वो सरोवर साफ हो गया महाराज। संत भगवान अवाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। शबरी मैया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। संत भगवान ने सोचा हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, जिस शबरी से हम छुआछूत करते थे, वो शबरी इतनी भगवान की बड़ी भक्त थी, जिसके चरणों की धूल से ये सरोवर साफ हो गया, ये सरोवर स्वच्छ हो गया। उस शबरी को हम लोग भला बुरा कहते थे, लेकिन अब तो वो रही नहीं, हम पश्चाताप कैसे करें। भगवान ने कहा एक ही उपाय है पश्चाताप करने का। संतों ने पूछा क्या है, कहा हमारी और शबरी की प्रतिमा एक साथ बनाओ और पूजा करो, स्थापित करो, तब जाकर के तुम्हारा ये पश्चाताप समाप्त होगा। छत्तीसगढ़ में जहाँ क्षेत्र बताया जाता है दंडकारण्य का, वहीं पर शबरी नारायण भगवान का मंदिर है, जहाँ पर भगवान राम खड़े हैं, शबरी मैया भगवान के समक्ष खड़ी हैं हाथ जोड़े हुए। और वहीं पर बड़ा मेला भी लगता है, रामानंदी संप्रदाय के जितने भी संत होते हैं वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो भगवान अपने भक्त की महिमा इस प्रकार से बढ़ाते हैं, उस शबरी मैया के घर पे भगवान पहुँचते हैं। वही शबरी मैया जब गुरुदेव के आश्रम में पहुंची और गुरुदेव लगे जाने, मैया कहती प्रभु सब जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, एक आप ही का आश्रय था और आप भी मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं, ना तो हम कैसे रहेंगे आपके बिना, आप जा रहे हैं, क्या मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे। भगवान राम, भगवान गुरुदेव भगवान कहते हैं चिंता ना करो, मैं तो स्वयं जा रहा हूँ भगवान के पास दर्शन करने, लेकिन मेरे राम जी तुम्हारे पास स्वयं चल करके आएंगे दर्शन देने। और माँ शबरी तभी से भगवान की प्रतीक्षा में लग गई। आइए दोबार प्रेम से हरे नाम संकीर्तन करते हैं, मैया लगी गाने कि हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम।